बस्तर में दशहरा एवं विजयदशमी के अवसर पर जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने विधानसभा क्षेत्र की 24 पंचायतों में देवगुड़ी निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि प्रदान की। कोरोना को देखते हुए कार्यक्रम को छोटा रखा गया था। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने 24 पंचायतों में देवगुड़ी निर्माण के लिए पहली किस्त 40,000 रुपए दी। इस अवसर पर जैन ने कहा कि वर्तमान कोरोना वायरस जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के कार्य हेतु संकल्पित हैं, जिसके चलते यह राशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा, जैसे ही कार्य शुरू हो जाएगा दूसरी किस्त भी वितरित कर दी जाएगी। हमारी सरकार बस्तर की संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने सभी को दशहरा की शुभकामनाएं दी। आज सबसे पहले विजयादशमी और दशहरा के इस पावन पर्व पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और हमारे जगदलपुर विधानसभा के जगदलपुर ब्लॉक के 24 ग्राम पंचायत में कूड़ी के जीर्णोद्धार के लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हमने 1,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत कराई है। और आज क्योंकि विजयदशमी का पर्व है, इसीलिए आज के दिन हम सभी ग्राम पंचायत के सभी हमारे सम्मानित सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, पुजारी, पटेल सबकी उपस्थिति में आज हम 1,00,000 में से 40,000 का चेक इनको दे रहे हैं कि इससे आप काम की शुरुआत करिए। 40,000 रुपये का काम कंप्लीट करके जैसी मेजरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, सेकेंड किस्त आप लोग को हम जारी कर देंगे। और सब गांव की बात है, गांव की देवी की माता मंदिर की बात है, तो अच्छे से बनाइए और बढ़िया से काम करिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।